चलिए तो आज कल का जो शेष है इसमें से पढ़ाएंगे भाग तीन का ना, और संविधान के भाग तीन का ही शेष है, वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शायद मालूम होगा कि भाग तीन में मानव के मूल अधिकार का चर्चा है, और मूल अधिकार संविधान के द्वारा 6 गो दिया गया है, उसमें से ये जो मूल शोषण के अधिकार है कितना है, तीसरा है, तीसरा है नहीं, तीसरा है शोषण के मूल अधिकार, और इसका चर्चा संविधान के कितना अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 से 24, अर्थात हम 23-24 भी दे सकते हैं। लेकिन इसको अनुच्छेद को बताने से पहले हम बात करेंगे शोषण क्या होता है। शोषण वैसे तो खूब सुने होंगे आप लोग, शोषण आज पूरा सुन लीजिए। शोषण का तात्पर्य होता है किसी के अधिकारों का हनन करना, किसी को कम वेतन पर, कम मजदूरी पर उससे काम करवाना, किसी को डरा धमका कर वो काम कराना जिस काम के लायक वो नहीं है, वो काम उसको करवाना, ये क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। तो हमारे समाज में मुख्य रूप से गरीब वर्ग अमीर वर्ग से शोषित होते आ रहा है। इस चीज को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में किसको दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अर्थात संविधान में जो अधिकार दिया गया है, सरकार द्वारा जो वेतन तय किया जाता है उसके विरुद्ध अगर आपको कोई काम करवाता है, या सरकार द्वारा जो वेतन निश्चित किया गया उससे कम वेतन पर आपको काम करवाना चाहता है, तो उसका आप विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं, और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन या मजदूरी तय की जाती है हर साल, तो न्यूनतम वेतन या न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, तो उससे कम वेतन पर भी बहुत सारे लोग, बाहुबली लोग, बंदूक वाले लोग या अमीर लोग मजदूर लोग से काम करवाते हैं या गरीब लोग से काम करवाते हैं। इसका मतलब क्या करना है, शोषण। अर्थात वो गरीब लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और वह ताकत दिया है अनुच्छेद 23 और 24। ये दोनों अनुच्छेद में चर्चा किया गया है कि किस तरह से क्या किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो शायद शोषण का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी दिए, उचित मजदूरी दे सकते, बिना उचित मजदूरी दिए उससे काम करवाना, या जो उससे काम नहीं करवाना चाहिए वो काम उससे जबरदस्ती बाय फोर्स करवाना, ही उसका क्या कहलाते हैं, शोषण कहलाते हैं। हो गया। अब इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट में जो काम करने का आपको पावर दिया गया है उसी पावर को क्या कहा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मुझे 23 से 24 में। तब अनुच्छेद 24 हम सबसे पहले देखते हैं, सॉरी 23 देखते हैं। अनुच्छेद 23 में है कि किसी भी प्रकार का शोषण क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ आपको आवाज उठाने का अधिकार है, उसका विरोध करने का आपको अधिकार है, चाहे वो जिस टाइप का शोषण हो, चाहे आपको मजदूरी वाला से शोषण हो, चाहे जबरदस्ती कोई काम करा रहा है, या डरा के आपसे जो कोई जासूसी करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। अर्थात ये 23 आपको पावर दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किए और वह व्यक्ति दोषी करार हो गया कि सही में आपको जबरदस्ती करा रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन कर रहा है, अनुच्छेद 23। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है कि 23 अनुच्छेद किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ हमें आवाज उठाने के लिए, बोलने के लिए हमें आजादी देती है। उसके बाद चलते हैं हम लोग को अनुच्छेद 24। 24 में थोड़ा सा बढ़िया चीज है ये 24 जो है, ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए है। अर्थात 24 के द्वारा यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या खान मतलब लोहा की धरती के अंदर से आप कुछ भी निकाल रहे हैं, तो लोहा निकाल रहे तो लोहा का खान बोलते हैं,
कोला निकाले थे कोला खाना। तो मैंने कहा कि 14 यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना फैक्ट्री खान या अन्य खतरनाक किसी भी काम में उसको लगाने पर रोक लगाता है। क्या कारखाना के मालिक है उसका एज 14 वर्ष से कम है तो अपने कारखाना में नौकरी उसको नहीं दे सकते, उससे काम आप नहीं करवा सकते। वही खान में भी वही बात हो, वही कोई खतरनाक काम है जो रिस्क भरा काम है तो उसमें भी आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं लगा सकते। तो क्या आप हमसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोई काम नहीं कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने का भी अधिकार है, लेकिन कैसा काम वो कारखाना नहीं कर सकते, वो किसी खतरनाक काम में नहीं कर सकता, वो खान का काम नहीं कर सकता जो इजीली जैसे पेपर बेचना हो, पेपर बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा अगर दुकान ही चला रहे तो चला सकते हैं, इसमें उसको ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी। ताकि आप कहेंगे कि ये सब जो किया गया है ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उसके शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है, उस टाइम ग्रोथ होता है, पिक पर होता है, सारे चीज पिक पर होता है उसका, जितना भी चीज शारीरिक हो या मानसिक हो, उस टाइम में उसको थोड़ा सा दबाव मुक्त रहना चाहिए, ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। अगर शारीरिक ही काम बराबर करेंगे तो उसके शारीरिक विकास हो जाएगा, या मानसिक ही ज्यादा करेंगे प्रेशर में आके बताओ ना अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, फिर वह शारीरिक मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उसमें कमियां रह जाएंगी, इसलिए सरकार ऐसा किया है। 14 वर्ष के बाद उसके शारीरिक मानसिक लगभग उसको जो एक स्टैंडर्ड विकास होता है कर चुका होता है, तब वो अगर कोई भी काम करता है तो उसके शारीरिक मानसिक पर कोई बुरा ज्यादा खाएगा पिएगा तो काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट शायद शोषण निवृत्त जो अधिकार था जो अनुच्छेद 23 और 24 में था वो दोनों को समझ लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं कितना अनुच्छेद में सॉरी अधिकार जो था 25 से 28 नहीं अधिकार जो था मानव के 6 मौलिक अधिकार था तो तीसरा हो गया ना, अब चौथा में चलते हैं। तो धर्म की शुद्धता का अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार का एक चौथा अधिकार और जिसका जिक्र अनुच्छेद 25 से 28 इसमें भी देखिए दो शब्द है, एक तो धर्म है दूसरा धर्म की स्वतंत्रता है। पहले मैं धर्म की स्वतंत्रता के विषय में बता दूं, धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है उस अधिकार से जिस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति धर्म के मामला में स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात धर्म को मानने धर्म का प्रचार प्रसार करने के संबंध में वो स्वतंत्र रहते हैं, जिस धर्म को मान ले जिस धर्म को ग्रहण कर ले जिसका प्रचार प्रसार कर ले उस पर सरकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और भारत के लोगों को ये अधिकार दिया गया धर्म की स्वतंत्रता का, अर्थात इससे क्लियर हो गया कि भारत का जो भी नागरिक है वो धर्म के मामला में स्वतंत्र है, अर्थात भारत के नागरिक किसी भी धर्म को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को सॉरी कोई भी धर्म अपना कर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन कोई सरकार की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ये कह रहा है कौन धर्म की स्वतंत्रता 25 में अनुच्छेद 25 में स्पष्ट है यही चीज कि भारत के नागरिक जो भी है उसको भारत में किसी भी धर्म को मानने का किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, उस पर सरकार भी कोई रिस्ट्रिक्शन कोई रोक नहीं लगा सकती है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये अनुच्छेद 25 ताकत देता है भारत के नागरिक, उसमें कोई कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 26 में क्या है, 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्य के लिए अपने धर्म के विकास के लिए आप धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, धार्मिक संस्था को बढ़ाने के लिए आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, आप आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन लगा सकता है कि आप क्यों धार्मिक संस्था खोले, आप क्यों अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोग से चंदा लेते हैं,
दे सकते हैं। देखिए ले भी रहा है, हो भी रहा है, ऐसा नहीं हो भी रहा है। अभी देख लीजिए इस्लाम धर्म में जो मस्जिद में जो इमाम क्या होते हैं, इमाम साहब जो होते हैं, उसकी जो सैलरी होती है तय जो की जाती है, तो पूरे समाज के लोग उसको कुछ ना कुछ चंदा के रूप में देके उसके सैलरी देते हैं, है कि नहीं? सभी नियमित रूप से देते हैं, अपने आय की दृष्टि से स्वेच्छा से वहां पर देते हैं, या फिर उसको कर देता है तो जाके इमाम चले जाते हैं, फिर कोई जाके वहां पर कलेक्ट करता है पैसा, उसी से पैसा से उसके पेमेंट तय पेमेंट दिया जाता है, नहीं पेमेंट दिया जाता है। 27 में कह रहा है, देखिए यहाँ पर तो कह रहा है कि आप दान ले सकते हैं, तो 27 में कह रहा है कि आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आगे निकालने के लिए किसी व्यक्ति से को इस धर्म को बढ़ाने के लिए जबरन किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं ले सकते हैं, जबरन किसी व्यक्ति से पैसा नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप मुसलमान हैं तो मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप 2-5 सौ रुपए, ये नहीं कह सकते, बात नहीं कर सकते, स्वेच्छा से कह सकते हैं, स्वेच्छा से उसका मन है तो दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। संरक्षण कर जो सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान का मतलब हुआ कि जो सरकारी है, मान लीजिए सरकार जिसको मंजूरी दिया है, सरकारी नियम कायदा चलता है, उसका बात नहीं कर रहा हूँ। मदरसा भी है तो रजिस्टर्ड हो जाता है, मदरसा रजिस्टर्ड है, सरकार द्वारा संचालित नहीं है, उसको सरकार ने अनुमति दिया है कि आप चला सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जैसे हमने कोचिंग का भी सुने हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि सरकार के रूल नियम जो है उसके अनुसार से हम चलेंगे, बल्कि हम सरकारी नहीं होंगे, ऐसे संस्थान शिक्षण संस्थान जिसको डायरेक्ट सरकार चला रही है वहां पर कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म के मामले में कोई शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ और सुन लीजिए, वहां पर अगर कोई धार्मिक उपदेश दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को उसको सुनने के लिए उसको बात नहीं किया जाएगा। मान लीजिए हॉस्टल एसएस कॉलेज का हॉस्टल मुस्लिम है, यहाँ हिंदू का कोई प्रवचन कॉलेज में हो रहा है, तो उसको बात नहीं किया जाएगा, तुम भी चलो सुनने के लिए। ऐसा अगर करते हैं तो रोकता है कौन, बता ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ प्रार्थना सभा हो रहा है, हिंदू वाला कोई चीज हो रहा है, मुस्लिम वाला कोई हो रहा है, तो हिंदू को मुनवा तक गया, नहीं मुनवा तक गया, उसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी समझ गए आपने, जो 25 से 28 के बीच में था, और अच्छी तरह से शायद समझ गए। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, 25 में क्या था, 25 में कहा गया था कि धर्म के मामले में भारत के नागरिक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। और 26 में क्या कहा गया कि धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी संस्था स्थापित कर सकते हैं, आर्थिक चीज का अर्जन कर सकते हैं, इसमें 26 में हो गया। 27 में फिर रिस्ट्रिक्शन लगवाया कि किसी भी व्यक्ति से धार्मिक उत्थान के लिए आप जबरन टैक्स या पैसा इत्यादि लेने के लिए बात नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 में कहा गया कि जो भी सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान है उसमें कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ वहां पर जब अगर किसी धर्म के उपदेश या किसी सत्संग इत्यादि हो रहा है, प्रार्थना इत्यादि हो रहा है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को दबाव या किसी भी धर्म वाले को दबाव देके नहीं कर सकता कि आप उसमें जाइए, शामिल होइए, सुनिए, इसमें उसका अपना स्वेच्छा से गया तो ठीक है, नहीं गया तो यही था कौन धर्म की स्वतंत्रता का। तो लगता है आज की क्लास में यहीं पर
विराम देना।